वकील साहब, आपने बात आगे बढ़ाई कि नहीं, मुझे हर हाल पे अपने बच्चे चाहिए। मैडम, मैंने उनके वकील को उनकी बीमारी और उनके मेंटल हेल्थ के बारे में दरख्वास्त दे दी है। तो ठीक है, बीमार है, बच्चे हमें दे देना दानिया। एकदम तो नहीं खेला जा सकता ना इस पॉइंट पर, लेकिन मेरा आपसे वादा है, हम केस जीत कर बच्चे हासिल करेंगे इंशाल्लाह। वैसे भी ये केस बहुत आसान हो गया है अब, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एनी मोर। पिछले 3-4 चेयरमैन साहब की मीटिंग्स और डिनर्स पे दानिया कहीं नजर ही नहीं आई, वो तो गायब सी हो गई है। और जगह जगह ये रिपोर्ट चल रही है, आपने सोशल मीडिया और प्रेस में भी देखा होगा, है ना? जी जी बिल्कुल, लेट्स होप फॉर द बेटर रिजल्ट्स। चलें, आप जा सकते हैं अब। थैंक यू मैडम। चाहत है या बगावत है, तुझसे ना होंगे हम जुदा। सारी दुनिया में तू ही सच्चा है, लगता है झूठा ये जहां। के मैंने लाखों के बोल गवाए पर तुझे समझ न आए, दिल दिल के हाथों लुट जाए पर तुझे नजर न आए। रोग ये दिल के तुझसे कहने लगे हैं, तेरे दिल से जब से निकले बहने लगे हैं। मेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे। ओ बे मुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे। मेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब। जी डॉक्टर, खासा मैंने नींद का इंजेक्शन तो दे दिया। आई थिंक दानिया रेस्टलेस है, शायद इसीलिए सुकून से सोएगी तो सुबह उठकर बेटर फील करेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप अपना ख्याल रखिए खासा, मैं देख रहा हूँ आप कुछ दिनों से बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरा क्या है डॉक्टर, मैं तो अपनी बीमारी झेल लूंगा, लेकिन जवान औलाद का सदमा वालिदैन को ढा देता है, तोड़ देता है। अल्लाह बेहतर करेगा खान साहब, आपकी सेहत बीमारी बहुत जरूरी है, प्लीज रेस्ट कीजिए, मैं थोड़ी देर ठहर कर जाऊंगा, अभी इधर ही हूँ। चलें बेहतर, किसी चीज की जरूरत हो तो शर्फू को आवाज दे दें। जरूर, मैं जरा नमाज पढ़ लूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अल्लाह की शुक्र। जी जी, बस डॉक्टर साहब एक पेशेंट की कंडीशन डिस्कस करनी थी आपसे।